भाई जानते कि आप लोग कैसे फ्लिपकार्ट का जो पैलेट है उसको जो बिल भुगतान कैसे करना होता है, मतलब बिल भुगतान कैसे करना है अगर आपने फ्लिपकार्ट पैलेट का पैसा यूज़ किया है तो उसका बिल पेमेंट कैसे करना होता है विथ आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा। ऐप चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ्लिपकार्ट के इस चैनल पर सभी वीडियो मिलती रहती हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई यहाँ पर मैं फ्लिपकार्ट पर आ चुका हूँ, जैसे कि आप देख ही पा रहा हो। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आने के बाद यहाँ पर देखो नीचे लिखा है अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब भाई देखो भाई यहाँ पर लिखा है फ्लिपकार्ट पे लेटर, आपको इस पर क्लिक करना है। भाई जो मेरी फ्लिपकार्ट की जो पैलेट की जो लिमिट है, फ्लिपकार्ट जो पैलेट है उसकी जो लिमिट है क्रेडिट लिमिट, वो 45,000 है, 45,000 रुपये की लिमिट दी गई है मुझे फ्लिपकार्ट वालों ने। ठीक है, वो मैंने इंक्रीज़ कैसे किया, क्या क्या करना पड़ता है, अगर आप जानना चाहते हो तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन वीडियो में जाएगा कि लिमिट इंक्रीज़ कैसे करना है। कुछ टिप्स मैंने बताए हैं, फॉलो कर लेना। अभी बात करते हैं कि जो मेरा पैसा जो मुझे पे करना है, देखो भाई मैंने अप्रैल में कुछ पैसा यूज़ किया है और 1 मई को मुझे इसका बिल भुगतान करना पड़ेगा। उसके पहले अगर नहीं करूँगा तो चार्ज लग जाएंगे, और चार्ज कितने लगेंगे ये हमने ऑलरेडी वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपको और जानना है कि फुल्ली चार्ज क्या होते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर के, कौन से कितना चार्जेस लगते हैं, तो इसका वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है चैनल पर। ठीक है, तो वो भी देख लेना। अब भाई यहाँ पर देखो लिखा पे और 106.7 रुपये मुझे चुकाना है। मैं इस पर क्लिक करूँगा पे में। यहाँ पर क्लिक करने के बाद भाई पे में क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक इंटरफेस आएगा पेमेंट करने का। देखो यहाँ पर गूगल पे है, ठीक है ना, फोन पे है, UPI है, तो हर तरीके से एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पर पेमेंट करने के लिए। तो भाई सिंपल मैं भी यहाँ पर फोन पे में क्लिक करूँगा। अब भाई यहाँ पर देखो ओपन UPI ऐप योर कंप्लीट योर पेमेंट। अब यहाँ पर देखो मैंने पेमेंट का रिक्वेस्ट भेजा है फोन पे पर। अब आपको फोन पे पर यहाँ पर से आपको कट करना है, ठीक है ना, और आपको जाना है भाई फोन पे के ऐप पर। यहाँ पर आपने एक रिक्वेस्ट यहाँ पर जाती है पेमेंट की, आपको देखो ये रिक्वेस्ट आ चुकी है सामने, और यहाँ पर आपको सिंपल इसको करने का आपको पे कर देना, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर देखो हम पे में क्लिक करेंगे, ठीक है यहाँ पर, और दोबारा से पे में क्लिक करेंगे, फिर से हम पे में क्लिक करेंगे, अपना UPI पिन डालेंगे यहाँ पर, और यस में क्लिक कर देंगे। जो हमारा पैसा होगा भाई हमने पेमेंट कर दिया यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर को, और डन क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपको कट करना है दोबारा से, और आपको यहाँ वाले ऑप्शन में आ जाना है, ठीक है। अब भाई देखो ये जो प्रोसेस है भाई ये ऑटोमेटिक ये रिडक्ट होगा, और आपका जो पैलेटर का जो पैसा है उसका पेमेंट है वो फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर देखो मेरा पैसा कट चुका है बैंक से, यहाँ पर ऑप्शन भी हट चुका है, मेरा जो पैलेटर का जो लिमिट है वो भी पूरा हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग फ्लिपकार्ट पैलेटर का जो पेमेंट होता है, ड्यू बैलेंस होता है, उसे कैसे पेमेंट करना होता है, बिल भुगतान कैसे करना होता है, मैंने आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाया। तो इस बात पे वीडियो को लाइक तो करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए ऐसे शानदार वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो पर।